स्वागत है आप सभी का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे पार्ट का हमारा अगला टॉपिक है आवेशित अचालक गोले के कारण विभव। अचालक गोला भी हो सकता है या फिर ठोस, जो आपके पास ठोस चालक अगर बोलता है, ठोस गोला अगर बोलता है उसका मतलब भी अचालक गोला है। तो देखिए, वो तीन बिंदुओं पर विभव हम ज्ञात करेंगे। ये आपके पास आठ त्रिज्या का कोई आपके पास अचालक या ठोस गोला है, तो ये इस पे आवेश अचालक गोले में कहाँ रहता है, अंदर की ओर। ध्यान रखना है कि अचालक गोले में आवेश कहाँ रहेगा, अचालक गोले में आवेश अंदर की ओर रहता है। तो पहला पॉइंट होगा कि बाहर स्थित बिंदु जो है उस पर विभव ज्ञात करेंगे। तो गोले से बाहर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि जब बिंदु कहाँ स्थित हो, जब बिंदु गोले के, गोला कौन सा है, अचालक, तो अचालक बिंदु अचालक गोले के बाहर स्थित हो। बाहर स्थित हो मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ध्यान दें कि चालक गोला और अचालक गोले में बाहर स्थित बिंदु पर और पृष्ठ पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। चेंजमेंट आएगा तो अंदर स्थित बिंदु पर आएगा। तो फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वही पी और वी में संबंध था, बी बराबर माइनस समाकलन से कैपिटल आर ए स्मॉल आर, स्मॉल आर ई डॉट डी आर, और ई कौन सा, आउट वाला। ये कैलकुलेशन मैंने पहले बता दी थी, आपको पता होगा। और ई आउट का जो मान है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको समीकरण एक देते हैं, इसको समीकरण दो, समीकरण दो से मान एक में रख दो तो आपके पास बी आउट आ जाएगा माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल आर KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। समाकलन कर दो तो बी आउट आपके पास आ जाएगा माइनस KQ कॉन्स्टेंट, समाकलन करेंगे एक बटे आर स्क्वायर का तो आ जाएगा माइनस के एक बटे आर इन्फिनेटी से स्मॉल आर। माइनस को बाहर जाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बी आउट आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का KQ। लिमिट रखो भाई, लिमिट रखेंगे तो माइनस जो है वो बाहर ले लिया था तो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनेटी, और एक बटा इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो आपके पास बी आउट आ जाता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। और चालक गोले में भी यही आता है, चालक गोले में भी यही है और कुचालक गोले में भी यही है, कुचालक गोले या अचालक गोला, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, समाकलन किया सिंपल सा, बी और जो ई है उसका संबंध है, ठीक। अच्छा, पृष्ठ पे देखे तो पृष्ठ का क्या चित्र बन जाएगा, ये पी बिंदु यहाँ से हटके कहा जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो जब बिंदु अलग अलग देख लेते हैं, जब बिंदु कहाँ स्थित हो, पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तो देखो पृष्ठ पर स्थित की कैलकुलेशन देख लेते हैं फटाफट। जब कहाँ स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो तो वहां पर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाते हैं, और मोई संबंध बी और ई का माइनस अनंत से स्मॉल कैपिटल आर पे आ रहे हैं, क्योंकि तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हैं। ई आउट इंटू डी आर ये आ जाएगा बी एस। ई आउट का मान अभी मैंने बताया था, सेम वही कैलकुलेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मान यहाँ रख दो तो बी एस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस अनंत से कैपिटल आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्या कॉमन है, तो बी एस इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, के क्यू कॉमन ले लिया, समाकलन करेंगे एक बटा आर स्क्वायर का माइनस एक बटा आर, लिमिट इन्फिनिटी से कैपिटल आर। लिमिट रखो तो लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या आ जाएगी, बी एस इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के क्यू एक बटे आर। पहले अपन लिमिट रखते हैं फिर बीच में माइनस का चिन्ह एक बटा इन्फिनिटी। कई लोग सोच रहे हैं माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस मैंने पहले बाहर ले लिया, तो बी एस इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये आ गया आपके पास जो गोला है अचालक गोला उसके पृष्ठ पर विभव। यानी कि दोनों कैलकुलेशन मैंने जल्दी इसलिए करवाई क्योंकि चालक गोला और अचालक गोला दोनों में कैलकुलेशन सेम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दिक्कत आएगी तो किस में आएगी, अंदर स्थित बिंदु पर, जो अगले वीडियो में करेंगे अपन, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। वीडियो जो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।